Hello student, I am Rahul sir, my teacher from Sri Academy High School Satna. And today's topic factorization exercise 14.4. हम first term question solve करेंगे. अब first term question में देखिए क्या दिया हुआ है. First term question में find the correct means आपको यहाँ पे correct आपको बताना है, आपको correct यहाँ पे solve करना है. And error of error in the following mathematical statement. यहाँ पे आपको देखिए क्या है, नंबर्स आपको जितने भी यहाँ पे सॉल्यूशन स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताना है. और जब ये क्या दिया हो, एरर दिया हो, मतलब यहाँ पे गलत दिया हो, यहाँ पे कुछ चीज आपके मिस्टेक पे, मतलब यहाँ पे रॉन्ग भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है. तो मैथ में आपको एक चीज पता होता है, जब चीज बीच में इक्वल लगा होता है, जैसे आप देखिए इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये बोथ वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है. सेम ऐसे फोर्थ नंबर है, सेकंड नंबर है, सिक्स्थ नंबर है, ऑल में आपको क्या करना है, करेक्ट बताना है. जैसे हम फर्स्ट नंबर को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट नंबर में आप देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, फोर ब्रैकेट एक्स माइनस फाइव दिया है. इसको आप जब सॉल्व करेंगे, फोर का मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर एक्स माइनस 4 का मल्टीप्लाई में 5 भी करूं तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा. मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, यहाँ पे 4x माइनस 20 है. और राइट हैंड साइड में क्या देखिए, 4x माइनस 5 है. मतलब ये यहाँ पे राइट हैंड साइड यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया. और ये राइट हैंड साइड क्या दिया है, ये राइट हैंड साइड में क्या देखिए, 4x माइनस 5 है. तो ये दोनों वैल्यू तो सेम नहीं है, मतलब ये क्या है, आपकी करेक्ट वैल्यू है. राइट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ये आपकी क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू है. तो राइट कब आपका आंसर कब होता है, देखिए यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, आर एच एस क्या है, दोनों नॉट इक्वल है. मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है. तो आपका यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, राइट करना चाहिए यहाँ पे हम करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए जैसे मैं राइट करता हूँ, करेक्ट स्टेटमेंट मतलब जो चीज हमने सॉल्व की है, मतलब ये चीज तो पहले से ही सॉल्व थी, इसके आगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते. बट हमने जो करेक्ट जो हमने वैल्यू सॉल्व की है वो देखिए, हमको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है आंसर, ये वैल्यू हमारे आ रही है जो हमने चीज सॉल्व की है. तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 4x माइनस 20, ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको सॉल्व करके बताया था कौन सा इसमें से करेक्ट है. तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, करेक्ट, यहाँ पर हमने करेक्ट इसको सॉल्व करके बता दिया. सेम ऐसे देखिए आप सेकंड नंबर में भी है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें करेक्ट बताना है. तो लेफ्ट हैंड साइड के जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, सॉल्व कर देता हूँ, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है, एक्स ब्रैकेट 3x प्लस 2. इसको आप जब सॉल्व करेंगे, एक्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई मैं 2 में करूं तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. तो देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 2x है. बट राइट हैंड साइड क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2 है, मतलब यहाँ पे x नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके नॉट इक्वल है. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ये जो राइट हैंड साइड आपका क्या है, नॉट इक्वल है. तो जब आपके नॉट इक्वल का आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, देखिए करेक्ट स्टेटमेंट होगा जो आपने यहां पे सॉल्व किया है, करेक्ट स्टेटमेंट इक्वल, आपने सिंप्लीफाई इसको किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, क्योंकि राइट हैंड साइड को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही सॉल्व दिया हुआ है. तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें करेक्ट क्या वैल्यू पता चली, कि ये वैल्यू आपकी क्या है, करेक्ट है, 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये वैल्यू क्या आपकी करेक्ट वैल्यू है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया. आपको मैं थर्ड नंबर नहीं बताया, थर्ड नंबर आपको सॉल्व करना है, मैं फोर्थ नंबर बता देता हूँ. तो फोर्थ नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, फोर्थ नंबर आप जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो गया, ये देख लीजिए, मैं सिक्स नंबर आपको 3x प्लस 2x इक्वल 5x स्क्वायर दिया हुआ है आपको. इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, राइट कर देते हैं, सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है, एक्स प्लस 2x प्लस 3x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x. इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 3x प्लस 2x प्लस 1x. आपके अनुसार यहाँ पे 1x तो दिया नहीं है,
जब कभी भी आपके जो कॉफिशियंट होते हैं वेरिएबल जब होते हैं तो उसमें कोई भी नंबर नहीं होता तो वहां पे हम नंबर वन नंबर ले लेते हैं। तो थ्री टू और वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, और थ्री टू वन हो जाएगा सिक्स एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सिक्स एक्स आ रहा है इसको हमने सॉल्व किया तो, बट राइट हैंड साइड क्या है फाइव एक्स है। तो ये वैल्यू क्या है नॉट इक्वल है, इसलिए राइट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, या फिर आप राइट भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, मतलब ये वैल्यू तो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं आर एच एस ये है और लेफ्ट साइड ये वैल्यू भी है। हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल नहीं आई क्योंकि यहाँ पे सिक्स एक्स आ रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल आर एच एस राइट हैंड साइड। तो वहां पे आप करेक्ट आप वैल्यू बता दीजिए, करेक्ट आपकी कौन सी वैल्यू है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी देख लीजिए आप, करेक्ट स्टेटमेंट मतलब जो हमने सॉल्व किया है, क्या सॉल्व किया हमने यहाँ पे सिक्स एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेम ऐसे सिक्स नंबर के लिए हमको सॉल्व यही मेथड यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये फॉल वैल्यू है एल एच एस, मैं राइट कर रहा हूँ बट आप ये मत कीजिए आपको ये मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू एक्स, इसको आप जब सॉल्व करेंगे क्या जाएगा थ्री एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा यहाँ पे फाइव एक्स, यहाँ पे फाइव एक्स है और राइट हैंड साइड में फाइव एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देयर फॉर एल एच एस इक्वल आर एच एस, ये क्या है इक्वल तो है नहीं नॉट इक्वल है, जब नॉट इक्वल है तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपने जब सिंप्लीफाई किया है क्या है फाइव एक्स, ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे भी आप आंसर राइट कर लीजिए, इस टाइप के आपकी बुक में जो क्वेश्चन है आपको वो सिंप्लीफाई करना है। अभी मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स बता दिया, और भी आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आपको क्या होगा ये इजी हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए। सेवन नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेवन नंबर क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट का सेवन नंबर में क्या दिया हुआ है टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर ब्रैकेट सेवन एक्स प्लस सेवन, और ये भी आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन से हैं। तो पहले आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये वैल्यू ऑल लेफ्ट हैंड साइड है 2x होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट 2x प्लस 7, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 स्क्वायर फाइंड करेंगे 4 और x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 टू जाएगा क्या हो जाएगा 8x प्लस 7। देखिए यहाँ पे आपने जो सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं नहीं है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये क्या है नॉट इक्वल है दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए दोनों में आपकी करेक्ट कौन सी होगी, ये आपने जो यहाँ पे सॉल्व किया मतलब ये वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए थी बट ये वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं करेक्ट राइट कर दीजिए करेक्ट स्टेटमेंट इक्वल क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मीन्स इस टाइप से आपको क्या करना है आपको करेक्ट बताना है, आपको सिंप्लीफाई भी करना है। आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताता हूँ कि आपको और कैसे ये सिंप्लीफाई करना है। टेन नंबर को देखिए हम फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का यहाँ पे टेन ए नंबर, इसमें क्या करना है देखिए सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल माइनस थ्री इन, मतलब आपको एक्स की जगह यहाँ पे माइनस थ्री अब लेना है पुटिंग करना है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर दिया है गिव्स क्या है माइनस थ्री, मीन्स यहाँ पे एक्स दिया हुआ था वहां पे वैल्यू माइनस थ्री पुट है, जैसे एक्स की जगह में क्या पुट करें माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फाइव है फाइव हो गया, एक्स की जगह माइनस पुट कर दिया माइनस थ्री, ये यहाँ पे बुक में पहले से पुटिंग दी हुई थी, आपको बताना है कौन से इसमें से करेक्ट आंसर इसका क्या है, और यहाँ पे आ गया प्लस फोर। अब देखिए थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन आ जाएगा, बट आपको यहाँ पे टू कैसे आ गया क्योंकि माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है थ्री फाइव से फिफ्टीन होना चाहिए था बट यहाँ पे क्या है टू है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो वो आपको अपने से सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा, ये चीज़ हम यहाँ पे अपने से सॉल्व कर लेते हैं, ये बुक में यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है बुक
जब ये वैल्यू पुटिंग हुई पुट करने के सॉल्व इसका आंसर आया 15। अभी हमें नहीं पता इसका आंसर राइट है या रॉन्ग है, बट हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा इसका आंसर राइट है या रॉन्ग है। देखिए जब हमारे पास क्या है गिवन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर दिया हुआ है, और हमको यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी है एक्स की जगह माइनस थ्री पुट करनी है। हम पुट कर देते हैं एक्स की जगह माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फाइव मल्टीप्लाई एक्स जगह माइनस थ्री पुट करना है माइनस थ्री हो जाएगा और प्लस क्या है फोर। माइनस थ्री स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे हम रफ वर्क में कर सकते हैं माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री तो माइनस माइनस प्लस और थ्री थ्री सो नाइन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई फाइन करते यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा नाइन में डिवाइड कर देता हूँ ये नाइन, अब माइनस प्लस होता है माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री फाइव जो हो जाएगा फिफ्टीन प्लस क्या है फोर। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा नाइन में आप फिफ्टीन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सिक्स माइनस सिक्स आ जाएगा क्योंकि बाय डिग्री आपके माइनस में है और क्या आ गया प्लस फोर। अब आप माइनस सिक्स में फोर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या आ जाएगा माइनस टू। देखिए आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस टू आ रहा है पर इसका जो आंसर बुक के थ्रू क्या आ रहा है प्लस 15 आ रहा है, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे देख लीजिए हम राइट कर लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था क्या वो करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट आपका आंसर आना चाहिए था माइनस टू बट आ क्या रहा है 15। ये तो रॉन्ग हुआ ना क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके जो ऑप्शन दिए वो क्या है इरोड दिए हुए, मतलब एक भी आपके करेक्ट नहीं है, वो हमें अपने से सॉल्व करके यहाँ पे बताना है इसको आपको करेक्ट यहाँ पे राइट करना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा माइनस टू। एक बार और चेक कर सकते हैं एक्स जगह मैंने माइनस थ्री पुट कर दिया माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस थ्री और फोर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फिफ्टीन आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे नाइन हमने फिफ्टीन सेपरेट किया तो माइनस सिक्स आ गया और प्लस फोर तो सेपरेट करेंगे तो माइनस टू, मतलब ये वैल्यू ऐसे यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो पुटिंग वाली जो वैल्यू है ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता देता हूँ कि हमें फाइंड कैसे करना है। अब हम फर्स्ट का 11 नंबर सॉल्व करते हैं, देखिए 11 नंबर में क्या है y माइनस थ्री को होल स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर माइनस नाइन, मतलब जब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है, मतलब आपको बताना है कि करेक्ट है या रॉन्ग, हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है तो करेक्ट के लिए हमको पहले अपने से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा राइट हैंड साइड से हमें क्लियर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 14 चैप्टर में आइडेंटिटी भी यूज होती है तो वो चीज़ आपको बनना चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को क्या दिया हुआ है वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर, इसको आपको देख के एक आइडेंटिटी यूज हो रही होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग वैल्यू ए की जगह ले लेंगे वाई और बी की जगह क्या ले लेंगे थ्री माइनस थ्री ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे माइनस का ही आइडेंटिटी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर ए है तो वाई कर दीजिए, ए की जगह आपको वाई करना है तो वाई स्क्वायर माइनस फॉर्मूला क्या होता है टू टू ए की वैल्यू क्या है वाई है वाई हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे थ्री थ्री हो गया, यहाँ पे क्या लिखिए बी की वैल्यू थ्री है तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री स्क्वायर। अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस थ्री टू जो सिक्स वाई प्लस थ्री 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 का स्क्वायर करेंगे तो नाइन, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है आपका ये आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे हमें एक चीज ये पता है यहाँ पे मैं ये रेज कर देता हूँ इसको मैं नीचे यहाँ पे सॉल्व करूंगा, देखिए इसको आपने जब यहाँ पे क्लियर किया तो आपको चीजें पता चल गई कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने में आ रही है बट राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस नाइन है, मतलब ये तो क्या है आपका राइट नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो गया देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ये नहीं है, मतलब आपके क्या है नॉट इक्वल है क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी इक्वल होनी चाहिए तभी आपका आंसर क्या होता है इसमें से पता चल जाता है कि ये राइट है या रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए जो आपके आंसर जो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये तो इक्वल नहीं है तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मैं राइट कर देता हूँ करेक्ट स्टेटमेंट
इक्वल क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई और प्लस नाइन, ये का करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। मतलब इस टाइप के आपको सॉल्व करना है। सेम आप 11 नंबर अगर आपको क्वेश्चन में आ गया, आपने आइडेंटिटी आपने सॉल्व की अच्छे से 9 चैप्टर में, तो आप 11 नंबर 12 नंबर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लीस्ट 12 नंबर आपके लिए ये होगा प्रैक्टिस के लिए, और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप जितना सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें भी आपको आइडेंटिटी भी लगानी थी, 12 नंबर में जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर था, उसका आंसर आपको बताया था क्या आ रहा है, देख सकते हैं बुक में आप। आपको मैं 14 नंबर जेड बताया था कि 14 नंबर आपको करना कैसे है। 13 नंबर में सेम वही आइडेंटिटी उसमें लग रही है, 12 एंड 13 में। जैसे 11 नंबर जैसे आइडेंटिटी लग रही थी, वैसे 12 एंड 13 में भी है सेम। अब देखिए आपको 14 बता दो, 14 आपको जो क्वेश्चन नंबर है वो भी 9 से रिलेटेड है, 9 चैप्टर से रिलेटेड है। देखिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसको मैं राइट कर देता हूँ सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है, ए प्लस 4 ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस 2। पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ए को मल्टीप्लाई आपको ए प्लस 2 से भी करना पड़ेगा, यहाँ पे ए प्लस 2 और प्लस 4 का आपको मल्टीप्लाई ए प्लस 2 से भी करना है। मल्टीप्लाई कीजिए, ए का मल्टीप्लाई में करेंगे ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2a, 4 का मल्टीप्लाई में करेंगे क्या जाएगा 4a प्लस 4 में करेंगे 2 में करेंगे क्या जाएगा 8। सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर 2a प्लस 4a हो जाएगा 6a प्लस हो गया 8। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, आपने लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8, बट राइट हैंड साइड में क्या है ए स्क्वायर प्लस 8, मतलब ये भी क्या है आपके इक्वल नहीं है। तो राइट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट राइट कर दीजिए यहाँ पे। करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट इक्वल ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8 हो गया। अब ऐसे में देखिए 16 नंबर को सॉल्व करना है, तो 16 नंबर को अब हम यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट कर देते हैं, सॉल्व कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को क्या दिया है यहाँ पे 3x² / 3x², इसको आप जब कट करेंगे तो कट करने में क्या आएगा 1 आता है इसका आंसर, क्या आएगा 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल क्या है राइट हैंड साइड है। क्यों, आप जब सेम नंबर को, आप जब हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। अब बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है 0 दिया हुआ, तो ये क्या हो गया आपके नॉट इक्वल हो गए, राइट हैंड साइड में 0 है और लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या है 1, जिससे आपके क्या हो गए नॉट इक्वल हो गए। तो आपको करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट कर लीजिए, देखिए करेक्ट स्टेटमेंट इक्वल क्या आएगा 1, ये हो गया यहाँ पे सिंप्लीफाई। मतलब इस टाइप के नंबर आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब आपकी बुक में यहाँ पे जितने भी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि आपको ये सॉल्व कैसे करना है। अब आपके जो जितने भी यहाँ पे रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है सेम इसी मैथड से आपको सॉल्व करना है। उसके लिए आइडेंटिटी आपको क्लियर होनी चाहिए जो आपने 9 चैप्टर में सॉल्व किया, क्योंकि आप जब आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो 14 चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी जितने भी मैंने क्वेश्चन है 17 है 18 है 19 है 20 है, तो आपको क्या करना है अपने सेक्शन को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।